अस्सलाम वालेकुम। आजकल मेरी एक फेक बहन की एक फेक न्यूज़ आ रही है। कुछ अर्से पहले मेरी एक फेक शादी किसी ने करवा दी थी। उस शादी की वजह से मेरी बीवी बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, उसके बाद एक साहब हैं, उन्होंने लाहौर अंदरून शहर में मेरा कोई घर बना दिया और कहा कि अब तू डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं। वाह, क्या बात है। और अब एक फेक बहन, एक झूठी कहानी और उसके एक न्यूज़ बड़ी मज़ेदार बनाई है। बहुत अच्छा उसका कैप्शन लिखा है कि अरबपति गुलूकार अरबपति गुलूकार सजाद अली की बहन जो है वो भीख मांगने पर मजबूर हैं। और मज़ेदार बात ये कि उसमें जो थंबनेल उन्होंने बनाई, उस थंबनेल में उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो मेरी बचपन से ज़ाहिर साथ है, बहन है तो वो तो बचपन से भी साथ होगी, तो बचपन की तस्वीर भी एक हमारी साथ लगा दिया और उसको सर्कल भी कर दिया है। वो बेवकूफ़ भूल गए, वो बचपन की तस्वीर मेरी बीवी की लगाई हुई है उन्होंने, इतनी भी उनको। वाह यार, कमाल हो गया बॉस। ये इस तरह के वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके पीछे क्लिक बेट होता है, उसके पीछे पैसे चाहिए होते हैं, शोहरत चाहिए होती है, या किसी की रेपुटेशन ख़राब करनी होती है। भाई ना तो वो मेरी बहन है, ना मेरी कज़न है, ना मेरी दूर की कज़न है, ना किसी भी किस्म के कोई नूरी साल तक मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मैं उसके इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, लेकिन उस बेचारी औरत, गरीब औरत को लोग जो कह रहे हैं वो बेचारी की जा रही है। उसको कोई कह देता है अब आप ऐसे कह दें तो वो बोल देती है, कोई दूसरा वीडियो बना रहा है वो उसको कुछ कह देता है वो शुरू कर देती है। यार अगर कुछ हेल्प चाहिए थी, कुछ मांगनी था तो उसका डायरेक्ट ही कह देते तो कोई ना कोई हेल्प कर ही देता है। इसके लिए इतना लंबा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई लोग हैं जो उसको उकसा रहे हैं बेचारी को और वो सब कर रहे हैं, और बड़े बड़े मज़ेदार कमेंट्स लोग कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि बहुत थोड़ी सी तादाद से ही, लेकिन इस तरह की मज़ाक़ा खेज और स्टूपिड किस्म की पोस्ट पे कुछ लोग यकीन भी कर लेते हैं और कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है कि पढ़ाई लिखाई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी, या शायद वो अपनी ज़िंदगियों से नाराज़ अपने एक मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं जो अपनी भड़ास दूसरों पे कमेंट करके निकालना चाह रहे होते हैं। बड़े बड़े मज़ेदार कमेंट्स भी मैंने पढ़े। किसी ने लिखा हुआ है कि जी मैं रोनाल्डो की दूसरी बीवी हूँ, किसी ने लिखा मैं इलॉन मस्क का बाप हूँ, किसी ने कुछ लिखा हुआ यार कमाल, बहुत मज़ेदार कमेंट्स हैं। खैर मैं देख रहा हूँ तो ये जितने उल्टे सीधे कमेंट्स हैं मुझे उनकी परवाह इसलिए नहीं होती कि मेरे जो लॉयल फैंस हैं ना, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, असल में जो शुरू से मेरे लॉयल फैंस हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, वो इन सब चीज़ों का टेक केयर कर लेते हैं। वो उन लोगों को जवाब भी दे देते हैं, वो क्लैरिफिकेशन कहीं देनी हो वो भी दे देते हैं, किसी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हो वो भी दे देते हैं, उन्हें आता बात करना सबसे। तो बहरहाल मुझे हैरत और अफसोस का मकाम ये है कि लोग इस तरह की बातों को बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी तस्दीक के, किसी सनद के बग़ैर बड़े मज़े से शेयर कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और उन लोगों का मकसद पूरा कर देते हैं जो ये चाह रहे होते हैं। तो बहरहाल मेरे भाई, मैं मेरी रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पिछले 45 साल से पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ और एक 100% मेड इन पाकिस्तान आर्टिस्ट हूँ। मेरी रेपुटेशन इस तरह की झूठी और फजूल बातों से बिल्कुल नहीं हर्ट होती, ना मेरा इन चीज़ों से कुछ नहीं बिगड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम कर रहा हूँ मेरे लॉयल फैंस के लिए, जो मेरे लॉयल फैंस हैं, और उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए काम करता रहूँगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों को कोशिश करें कि इस तरह की फजूल चीज़ों में आप जो मज़ा आता है शायद चलें क्लिक कर लेते हैं, आप लोग देख लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ें भी फैलाएं, उन्हें भी शेयर करें, उन पर भी कमेंट करें, अच्छी चीज़ों पर भी करें, तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अब मुझे निकलना है, मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही है और मेरे सारे घर वाले यहाँ पर आए हैं। मैं अपने बहन के बेटे की शादी में ही आया हूँ और मुझे पता है मेरा रिकॉर्ड दोबारा से लगने वाला है, तो मुझे उसके लिए तैयार हो गया।